ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗଲିରୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ସତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ଦମ୍ପତି ସାଇକେଲରେ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 700 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାଇକେଲର ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କପୁଲ ଟୁର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ସାଇକ୍ଲିଂରେ ବୁଲିବେ। ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ଲୋକାଲର ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି, ବି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମେକ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ର ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, 700 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଇକେଲର ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ସାଇକେଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ ତମାମ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ବି ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିଥି ଦେବ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରତେ ହେଁ ଅର୍ଗେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପର, ଆଉ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଇଚ୍ ଏଭ୍ରି। ହଁ, କ୍ୟା କହିଁଗେ, କାହା ସେ ଆଏ ହେଉ ଆପ? नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप बिश्वास है और ये मेरा वाइफ है संगीता देवनाथ। हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट का चुचुड़ा में शहर में रहने वाला है, और 27 अक्टूबर को हम लोग निकल चुके हैं घर से। और हम लोगों का इंटेंशन है पूरा देश घूमने का। ये साइकिल लगभग कितने किलोमीटर आप साइकिल में आ चुके हैं? आज तक 700 से ज़्यादा किलोमीटर। बीच में कोई तकलीफ हुआ, पैदल तकलीफ हुआ, कोई तकलीफ हुआ? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुआ, छोटा मोटा हुआ लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये एक साइकिल में दोनों बैठते हैं? एक साइकिल में ही दोनों बैठते हैं, उस पर लगेज भी रहता है। क्या खासियत है ये साइकिल का, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ है यहाँ पर? ये बैटरी मोटर लगा हुआ है, क्योंकि जो लोड है ये पैदल से चलाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए बैटरी लगाया। मैडम, आप ऑल इंडिया आप लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल इंडिया कपल टूर लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या है? हम लोग घूमना चाहते थे, हम लोग घूमने के शौकीन हैं, और उसके बावजूद हम साइकिल चूज़ किए, इसलिए ये साइकिल पूरा पॉल्यूशन फ्री है। इससे पहले हम लोगों के पास गाड़ी था, वो बेच के हमने साइकिल को तैयार किया। हमारा बजट के हिसाब से साइकिल भी बैठता है, और जो हम लोग एनवायरमेंट में रहते हैं, हम चाहते थे उसको सुंदर बनाए के रख के हम घूमें। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया का लोग खूबसूरत है, और कई कई जगह तो इतना नेचुरल है, जो शायद साइकिल के घूमने के वजह, अगर साइकिल से नहीं घूमते तो देख नहीं पाते। अभी आप आगे कहाँ जाएंगे, या पुरी में ठहरेंगे? नहीं, आज तो पुरी से हम निकल के चिल्का की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर आंध्रा में घुसेंगे, आंध्रा कवर करेंगे। पूरा कोशिश है कि साउथ करके फिर नॉर्थ की तरफ चले, तबीयत अगर सही से रहा, किस्मत आप लोगों का साथ। जो बात आप बता रहे हैं, लगभग 1000 किलोमीटर आपके लक्ष्य है शायद? उससे भी ज़्यादा। हाँ, मैं पूछना आपसे चाहता हूँ, अगर बीच में रास्ते में कोई साइकिल लीक हो गया, पंचर हो गया, तो ये कैसे रिपेयर होगा? इसलिए ही तो साइकिल चूज किया। अगर बाइक पंचर हो गया, साइकिल में घूमने से लोकल वाला फीलिंग्स आता है, लेकिन साइकिल अगर साइकिल पंचर हो जाएगा तो हर जगह में साइकिल ठीक रिपेयरिंग सब मिल ही जाता है। आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। अगर बाई चांस नहीं मिला तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, रिपेयर वाला आदमी मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मैं ही खुद रिपेयर कर लूँगा। घूमने का मजा किस तरह है? बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस है। एकदम हम जब बालासोर में घुसा उड़ीसा में, तो एकदम सी बीच में, डोगरा सी बीच के अंदर आगे नारायणपुर सी बीच रहता है, वो उधर गए थे, तो एकदम नेचुरल एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। ये आगे जो मोबाइल रखा हुआ है, ये क्या लोकेशन ट्रैक करने के लिए? लोकेशन ट्रैक करने के लिए। ये और भी तकलीफ इजी हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। ये हॉर्न कहाँ पर है? ये वाला हॉर्न है। मैडम, आपको कैसे लग रहा है आपका पतिदेव के पीछे बैठकर साइकिल में घूमना, ये क्या? हम पहले सोचे थे, जब निकले थे तब इतना सुंदर सफर होगा, कभी सपने में भी नहीं कल्पना किए थे, लेकिन आप इतना सुंदर सफर, आप पूरा देश तो घूमना कैसे भी करके घूम, तबीयत अगर सही ना भी रहे तो दोबारा हम कोशिश करेंगे और चलेंगे। 700 किलोमीटर से ज़्यादा आप आ चुके हैं, रास्ते में कोई तकलीफ हुआ? नहीं नहीं, एक दो बार लीक हुआ है, और जो मदद कर लोग मिले ना, मतलब लोग कहते हैं दुनिया खराब है, दुनिया इतनी अच्छी है, हर जगह अगर घूमेंगे तो सब अच्छे लोग ही मिलेंगे। अभी इतना 19 दिन हम कवर कर रहे हैं, कोई भी एक खराब लोग नहीं मिला, और सब जो मिला सब मदद का। ये आप जानते हैं, ये पूरी में महाप्रभु जी का धाम है, सिकेतर धाम है, आप चाहेंगे तो महाप्रभु जी के दर्शन भी कर सकते हैं। एकदम एकदम, मैंने किया। हम इधर जो आश्रम में ठहरे थे, आश्रम वाला भैया भी
हम लोगों को दिल से, मतलब जिस दिन घुसे थे रात 11 बज गए थे, वो किसी को नहीं गेट खुल के गुजरते थे, लेकिन हम लोगों को देख के इतना हेल्पफुल आदमी था कि हम लोगों का मन जीत लिया। रात में आप सफर करते हैं, रात में कहीं ठहर जाते हो? ठहर जाते हैं, लेकिन उस दिन प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा साइकिल का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए लेट हो गया था। ये बहुत सुंदर प्रयास है आपका। एक्चुअली मैसेज क्या जाना चाहता है? ये हमारा दो मोटो है, एक है तो साइकिल में निकला इसलिए पॉल्यूशन फ्री, और तबीयत तो जरूर अच्छा रहेगा साइकिल में। और हमका जो मोटो है वो है लेस यूज प्लास्टिक। ये हम नहीं कह सकते कि प्लास्टिक यूज करना पूरी तरीके से बंद कर दो, लेकिन जितना कम हो सके, हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बंद करना चाहिए, क्योंकि हम जो बीच में देखा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखा कि प्लास्टिक बहुत ही सारा पॉल्यूशन फैलता है। उससे गर्व की बात है, यहाँ पर भारत का झंडा आपने लगा हुआ, ये सबसे गर्व की बात है। मैं और आप रहे ना रहे, ये देश तो रहना चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ इंडियन। यस, ऑब्वियसली वी आर प्राउड टू बी अ इंडियन। ओके, देखते हैं, आप देखिले सीधा सड़क दृश्य मध्ये हमें देखौथलु, साइकिल ले दुई जन कपल स्वामी स्त्री दंपति आसीछंती, पश्चिमबंगर हुगुळीरु पुरी आसीछंती 700 किलोमीटर ऊर्ध्व, एवं जो वार्ता जाउची तांकर पॉल्यूशन फ्री करा जीवा, प्रदूषणरु मुक्त होई परिबा एवं शरीर मध्ये भल रहबा, तबे निहाती बापरे आगुकु मध्ये तांकर डेस्टिनेशन रहिछि, लक्ष्य रहिछि, सेमाने चिलिका जिबे एवं चिलिकारु सीधा सळख पुनर्बार पश्चिमबंगकु प्रत्यावर्तन करबे। निहाती बापरे आमे अर्गस न्यूज माध्यमरे सेमानकु आशा करिबा, सेमानकर यात्रा अत्यंत सफल हौ एवं महाप्रभुंक डोरी लागिथ पुनर्बार से पुरी आसन्तु, एवं तांकर यात्रा किबळ सफल होई परिबा सेने मध्ये आमे महाप्रभुंक निकटरे प्रार्थना करिबा। पुरी रू वीडियो जर्नलिस्ट गणेश दास आलोक आशुतोष, अर्गस न्यूज।